श्री खाटू श्याम जी मधुबन निज हाथों से श्री श्याम की सेवा एक ऐसा संकल्प जिसमें सेवा के साथ साथ शुद्धता का भाव सर्वोपरि है। तन की शुद्धता, मन की ओर से समर्पित प्रत्येक पुष्प, प्रभु के भोग की शुद्धता, अपने मालिक के चरणों में समर्पित करने की दिशा में एक प्रयास है श्री खाटू श्याम जी मधुबन। इस भव्य परियोजना के प्रेरणा स्रोत बैकुंठ निवासी वेंकटेश्वर भगवान श्री विष्णु स्वयं तिरुपति बालाजी हैं। कुलदेव खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से अनेक तीर्थ स्थान के बाद तिरुपति बालाजी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। दर्शन हेतु जिस ऊर्जा का प्रवाह तन मन में हलचल कर गया वो अविस्मरणीय था। भव्य अलौकिक सुंदर श्रृंगार अत्यंत जिज्ञासा पूर्ण था। मन की इच्छा जागृति नारायण के आभूषण कक्ष, शयन कक्ष एवं रसोई घर में ले गई। तत्पश्चात मंदिर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर विशाल बगीचा दिखा, जहां भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे रंग बिरंगे खुशबूदार फूल हैं जो संपूर्ण भारतवर्ष में और कहीं नहीं हैं। समस्त फूलों का भवन वातानुकूलित है, जहां दर्जनों कुशल कारीगर फूल बंगला, फूल माला, बुके बनाकर भगवान के श्रृंगार को तैयार करते हैं। यह देख जो अनुभूति हुई, आज मधुबन का पथ उसी पर अग्रसर है। हृदय से आवाज आई, क्या ये सब राजस्थान में संभव है? मन ही मन अपने कुलदेव से प्रार्थना करने लगा, हे महाराज, ये सब खाटू धाम में संभव करवा दीजिए। इसी प्रार्थना और प्रेरणा के उपरांत विचार वितरण किया। श्याम सेवा में अग्रसर भक्त गणों के साथ कार्यकारिणी बनाई गई और मधुबन जैसे भविष्य में रूप लेते विश्व विख्याति स्वप्न की ओर अग्रसर हुए। श्री खाटू श्याम जी मधुबन श्रद्धा, भक्ति भाव, शुद्धता और चाव का पूर्ण रूपेण से एक सेवा प्रकल्प है। इस कार्य को कार्यान्वित करने का बीड़ा हम सबने मिलकर उठाया है। आइए इस पवित्र कार्य को संपादित करने के लिए जो कुछ भी प्रयास किए जा चुके हैं या करने हैं, उनकी रूपरेखा क्या है, उसे तय करने के लिए हमने एक पहल की और जा पहुंचे आज्ञा लेने श्री श्याम बाबा के निज मंदिर खाटू धाम में, जहां प्रभु के केवल दर्शन मात्र से ही जीवन में खुशियां, सुख शांति एवं समृद्धि का भंडार भरना प्रारंभ हो जाता है। श्री श्याम मंदिर कमेटी से विचार विमर्श करने के पश्चात उनकी प्रेरणा से निकल पड़े अपने सपने को साकार करने के लिए। सर्वप्रथम संस्था का नाम श्री खाटू श्याम जी मधुबन पंजीकृत करवाने के बाद ट्रस्ट के नाम 11.5 एकड़ लगभग 55,000 गज भूमि की रजिस्ट्री 23 जनवरी वर्ष 2014 को करवाई गई। विशाल असमतल, ऊंची नीची, कहीं गड्ढे तो कहीं मिट्टी के पहाड़ देखकर मन चकराने लगा। शहरी वातावरण में रहने के कारण इतनी बड़ी विशाल भूमि को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि कार्य कैसे और कहां से शुरू किया जाए। आषाढ़ सुदी दशमी सोमवार 7 जुलाई वर्ष 2014 को वास्तु पूजा के पश्चात कुएं की बोरिंग करवाई गई, जहां कुलदेव की कृपा से अत्यंत शुद्ध एवं मीठे जल का स्रोत निकला। खेती एवं घरेलू दोनों बिजली के कनेक्शन लिए गए। मिट्टी की लैब जांच करवाने पर
मन में सकारात्मक विचार आने लगे। स्वयं श्याम बाबा पथ दिखलाने लगे। भूमि समतल कराने के लिए 18-20 हजार मिट्टी की ट्रॉली बाहर से लाकर डाली गई और भूमि को सड़क से 2.5 फीट ऊंचा किया गया, जो कि फूलों की खेती के लिए अत्यंत आवश्यक था। एक अन्य महत्वपूर्ण आवश्यक कार्य 40,000 वर्ग फुट चार दीवारी का निर्माण किया गया। चार दीवारी के साथ साथ अंदर की रिंग रोड बनाने के बाद अंदर के मार्ग बनाए गए। पुराने खेत धीरे धीरे मधुबन के स्वरूप में बदलने लगे। पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति के लिए भूमिगत 1,35,000 लीटर का वाटर टैंक बनाकर श्रेष्ठ सिंचाई प्रणाली का कार्य प्रारंभ हो चुका है। फूलों की क्यारियां बन रही हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं। बंधुवर, यह स्वप्न, यह प्रकल्प श्री श्याम बाबा के आशीर्वाद के बिना असंभव है। इसे संभव बनाने के लिए आपका विश्वास, धीरज, श्रद्धा, समर्पण एवं विचार उतना ही जरूरी है जितना बाबा की कृपा। बाबा की कृपा से वंशानुगत सेवा प्राप्त होना सौभाग्य की बात है। पुष्प एवं श्रृंगार सेवा, इस सेवा प्रकल्प के माध्यम से श्री श्याम पुष्प उपवन में एक से बढ़कर एक देसी विदेशी रंग बिरंगे पुष्पों को आधुनिक पद्धति द्वारा खेती की जाएगी। आप श्री द्वारा सर्वप्रथम श्री श्याम बाबा के निज मंदिर हेतु प्रतिदिन भव्य एवं आकर्षण श्रृंगार तैयार करवाकर स्वयं श्री श्याम जी को समर्पित किया जाएगा। तत्पश्चात संपूर्ण भारतवर्ष के कीर्तनों में एक से एक भव्य अलौकिक एवं आकर्षक पुष्प मालाएं श्रृंगार हेतु उपलब्ध कराई जाएंगी। गौ सेवा, इस सेवा प्रकल्प के माध्यम से श्री खाटू श्याम जी मधुबन में कुछ दुधारी देसी गौएं पाली जाएंगी। इन गौओं की सेवा से प्राप्त दूध के माध्यम से बाबा श्याम के मंदिर की रसोई हेतु दूध, दही, घी, मक्खन व ज्योत हेतु घी उपलब्ध करवाए जाने की योजना है। रसोई एवं भोग सेवा, इस सेवा प्रकल्प के माध्यम से श्री खाटू श्याम जी मधुबन में बाबा श्याम के मंदिर हेतु प्रतिदिन भोग एवं प्रसादम की व्यवस्था की जाएगी। समय अनुसार इस सेवा का विस्तार करके बाबा श्याम के 56 भोग के लिए सब्जी, फल, अनाज तथा अन्य उत्पादन की व्यवस्था की जाएगी। श्याम कृपा से श्याम की सेवा बड़े भाग्य से मिलती है। लाखों लोग लगे नंबर में, किसी किसी को मिलती है। बाबा श्याम की असीम कृपा के वो पल निसंदेह जिसमें हमें गौरवान्वित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये अवसर हमारे मिलन का तो मात्र बहाना है, अपितु सत्यता तो ये है, ये पल निसंदेह हमारे लिए गौरवान्वित होने वाले पल होंगे। क्योंकि इस पल का साक्षी होने का अभिप्राय बाबा श्याम की साक्षात कृपा का पात्र बनना है। पूर्णतया बाबा श्याम की सेवा में समर्पित एक प्रकल्प श्री खाटू श्याम जी मधुबन के माध्यम से आप जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी बाबा श्याम की युगो युगो तक सेवा के पात्र बन गए हैं। अर्थात जब जब बाबा को पुष्प श्रृंगार समर्पित होगा, तब तब श्रृंगार में संजोई माला या उसमें लगे पुष्प आपके कर कमलों से की गई सेवा का भाग होगा।
अतः ये हम सभी श्याम भक्तों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस सेवा में आप स्वयं तो सम्मिलित होंगे ही तथा आप श्री द्वारा प्रेरित अन्य श्याम प्रेमियों को भी श्री खाटू श्याम जी मधुबन से अवगत करवाकर उन्हें जोड़ने का प्रयास करें। ये प्रयास निसंदेह आप द्वारा बाबा श्याम की अनमोल सेवा होगी। जय श्री श्याम।